अज कल जो एक कह लो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड दे विच बीमारी हैगी है जो कि अज तो पहला 20-25 साल पहला 65-70 साल की उम्र च बीमारी आती सी उन्हूं कहिंदे जी ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिगत वात। जंक फूड ज़्यादा खाता जा रहा है, मैदा ज़्यादा खाता जा रहा है। सवाल मेरे जहन च आ गया जी, कितना किते इंसानी डाइट फास्ट फूड जिम्मेवार है जोड़ों दर्द लई? सर ना सिर्फ जोड़ों दर्द लई, हाँ जी मेरे ख्याल नाल मैक्सिमम बीमारियां लई ये डाइट साडी जिम्मेवार हैगी है। ये नूडल बीज पिज्जा बर्गर वगैरह जी जी बिल्कुल। ये नाल की होंदा हड्डियां जो आपस रगड़ खांदियां तो फिर अंदर जख्म होंदे हैं, सोजिश आंदी हैगी है, पेन बढ़ता जाता है। तीसरी स्टेज तक पेन थोड़ा बढ़ जाता है जिथे तक असी इस बीमारी नूं रिकवर करन दे समर्थ होंदे हैं। एक पासे नूं बिल्कुल जुड़ जांदियां ते मूवमेंट ना मात्र रह जांदी है। फिर उस पोजीशन चो वापस लैके आना बहुत मुश्किल भी हुंदा है ते फिर उत्थे जाके डॉक्टर कहिंदे जी हुण इहदा ऑपरेशन ही होना है। पूरे तरह बाहर खिंचो और उस तो बाद इस नूं अंदर करना है। इदां भावें तुसीं चाहो तां कोई चुन्नी जां कोई परने दा सहारा लै कर सकदे हो जां जिस तरह मैं हैल्प कर रहा इस तरह कोई हैल्प कर दे तो पैर जिन्ने अंदर जाणगे तुसीं देखोगे तुहाडे थाइस दे उत्ते हल्की हल्की पेन शुरू होएगी और ये पेन तुहाडे अच्छे वास्ते है। तुसीं गोडे दे नीचे रख लेना इत्थे लाइक ये रख्या होया। हुण तुसीं गोडे दे जोर नाल आपां गोडे दे जोर नाल लत सीधी रखदे होए गोडे नूं नीचे नूं दबना 20-25 वार इस लत दा 20-25 वार दूसरी लत दा। कई बार असी गलती की करते हैं कि असी सोचते हैं कि मेरा एको ही तो गोडा दुखदा है तो मैं एक गोडे की कसरत क्यों ना करा। यह जी गलती ना करो। ये होंगे कि कई बार एक गोडे घट तकलीफ होंगी है बट दूजे थोड़ी जी ज़्यादा होंगी है। तुसी अपनी एक लत नूं इत्थे मोड़ के रखना है, दूसरी लत नूं 45 डिग्री के कोण तक इत्थे चकना है। इन्ना चकिया उस तो बाद इत्थे रोकना है, पैर नूं फिर बाहर नूं कढ़ना है, पैर नूं पूरे जोर नाल बाहर खिंचो, हाँ अंदर फिर बाहर फिर अंदर। पहले महीना 2 महीने तुसी इस तरह करो, उस तो बाद इस जगह पर कोई छोटी जी थैली बना के 1/2 किलो पाइया पहला वजन बनो तो इस तरह वजन नूं बधाते जाओ। राइट, ये दोनों लत्तां दी तुसी ये एक्सरसाइज करनी हैगी है। फिंगर्स थोड़ियां नीचे जाणगियां, हाथ इस तरह थोड़ी जिहड़ी चपनी है उहदे विचकार थोड़े गुठे आ जाणगे। उस तो बाद तुसी की करना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उपर लैके जाना हाथ नूं फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे। मरीज की कर रहा है वह नीचे नूं करके फिर उपर आ रहा है जी, आप इधरों करेंगे ग्रिप नहीं बनती उस हिसाब जी 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 बिल्कुल ठीक है। यह जिहड़ी भी एक्सरसाइज दसी जा रही है ये एक एक्सरसाइज घट्टो घट 20-25 वार करो और इस तो ज़्यादा बधाते जाओगे तुहाडे वास्ते फायदा होएगा। तुसी जिहड़ा साइकलिंग है वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है, घरे तुसी अपराइट साइकिल या जिम का साइकिल कोई भी हैगा उन्हूं तुसी चला सकते हैगे, वो तुहाडी जॉइंट्स नूं खोलेगा और जिन्ने तुहाडे जॉइंट्स जिहड़े हैगे हैं उन्हां दी स्पेस जिहड़ी हैगी है वह बनती जाएगी। सत श्री अकाल, स्क्रोल पंजाब देखे दर्शकों का बलजीत मरवाह वालों स्वागत। जिंदगी दी तेज़ रफ्तारी ने मुकाबलेबाजी ने कंपीटिशन ने सानू बहुत कुछ दिता है। हर सिक्के दे हर तस्वीर दे दो पहलू हुंदे ने, जे मुकाबलेबाजी सानू अगे वल लैके जा रही है साडा भविख सुरक्षित करती है तो कित ना कित समझौते जड़े ने इंसानी शरीर नाल हो जाते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ नाल हो जाते हैं। सब जानते हैं कि कोई भी शायद अज्ज डेट चाहे जा इंसान होगा जो किसी बीमारी तो बचिया होवे वांझा होवे, हर कोई किसी ना किसी नाल ग्रस्त हैगा। खासकर जे आपां गल करिए जॉइंट पेन्स जोड़ां दे दर्द की, एक आम जी एज हुंदी है जो बंदा 40 या 45 साल का अध खड़ जा हो जाता है तो कोई कहिंदा यार मेरे गोडे दुखदे है, कोई कहिंदा मेरे पैर दुखदे है, किसी लत्तां च दर्द शुरू हो जाते हैं, साढ़े शरीर के होर जिहड़े जॉइंट्स पार्ट हैगे ने उत्थे दर्द शुरू हो जाते हैं। सो कुछ अजिहे नुस्खे तुहानू सुन के हैरानी होगी, फिर बंदा डॉक्टर ने चक्कर भी लाता से तुहानू अजिहे नुस्खे दसांगे कि जिन्हां नाल तुसीं आप तुहाडे इन्हां दी हत्थां दी उंगलियां दे विच ही वो तुहानू एक आपां तजर्बा देवांगे हुनर देवांगे तुसीं अपने हत्थां दी उंगलियां नाल ही अपने जिहड़े ओह पेन्स ने दर्द ने ठीक कर सकते हो। साडे नाल पटियाला तो डॉक्टर सुनील कुमार मौजूद ने,
और बकायदा सानू यह करके भी दिखाएंगे। सो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल ते। सत श्री अकाल जी। सो बड़ा लंबा तजर्बा थोड़ा अपनी जिंदगी दा, जॉइंट पेन तुसी जिहड़ा ठीक करदे हो लोगों के, मरीजों के जोड़ों के दर्द ठीक करदे हो। सो यही सब तो पहला सवाल इत्थों शुरू करदे आ आपां कि हो किद्दां जांदियां। देखो अगर आपां जॉइंट पेन्स की गल करते हैं, जॉइंट पेन्स नूं आपां तीन कैटागरी च लैंदे आ। पहली कैटागरी हुंदी हैगी है जिहनूं असीं कहिंदे आ रिमोटाइड आर्थराइटिस जां आम वात आयुर्वेद कहिंदे आ, जिहदे विच गोडे जां बाकी जोड़ां ते वड्डे जोड़ां ते सोजिश आ जांदी है। इहदा मेन रीज़न हुंदा है कि साडे शरीर च टॉक्सिन वधणे शुरू हो जांदे आ, बड़ी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, बड़े औखियां ठीक हुंदी है। दूसरी हुंदी है जिहदे विच असीं कहिंदे आ कि तुहानूं यूरिक एसिड की मात्रा वध गई है, छोटे जोड़ जिहड़े हैगे उह मुड़ने बंद हो जाते हैं, जां पेन करते हैं, जां अड्डियां बहुत पेन करदियां। अजकल जो एक कह लो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड दे विच बीमारी हैगी है, जो कि अज तो पहला 20-25 साल पहला 65-70 साल की उम्र च बीमारी आती सी, उहनूं कहिंदे जी ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिगत वात, जिहदा बहुत ज़्यादा अज प्रभाव देखण नूं मिल रहा, ना सिर्फ बजुर्गों के विच बल्कि छोटे जिहड़े बच्चे हैगे 20 साल 25 साल 30 साल, इन्हां दे विच वी बहुत नौजवानों दे विच नौजवान वो भी नहीं बचे हुए जी। और बेसिकली कंपैरिजन अगर फेल मेल ते फीमेल दा करिए तो फीमेल जिहड़ियां हैगियां ज़्यादा अफेक्टेड हैगियां इस चीज़ तो, ठीक है। तो यह जिहड़ी बीमारी हैगी है जिहनूं असीं ऑस्टियोआर्थराइटिस जां आयुर्वेद दे विच संधिगत वात कहिंदे आ, इहदा बेसिक तीन रीज़न मन्ने जांदे आ। पहला हुंदा है तुहाडा डाइट, डाइट जिहदे विच न्यूट्रिशंस नहीं हैगियां। अज आपां जिहड़ी डाइट खा रहे हैं जंक फूड ज़्यादा खाधा जा रहा है, मैदा ज़्यादा खाधा जा रहा है। एक सवाल मेरे जहन च आ गया कि कितना ना कितने इंसानी डाइट फास्ट फूड जिम्मेवार है जोड़ां दर्द लई? सर ना सिर्फ जोड़ां दर्द लई, हाँ जी मेरे ख्याल नाल मैक्सिमम बीमारियां लई ये डाइट साडी जिम्मेवार हैगी है। ये नूडल भी पिज्जा बर्गर वगैरह? जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखो एक सिंपल जिहा मैं तुहानूं छोटा जिहा तुसीं क्वेश्चन पुछिया, आपां इस इलैबोरेट करो थोड़ा। हाँ इलैबोरेट इस तरह करदे हैगे कि अगर मैं सारियां बीमारियां दीआं जड़ां लभण लग जां तां तीन जड़ां मिलदियां। पहली जड़ है जिहड़ी साडे खाण पीण करके बीमारियां पैदा करदी है, जो 70-80% बीमारियां साडे शरीर च साडी डाइट करके हुंदे आ। आयुर्वेद कहिंदा आहार विहार जन्य व्याधियां जी। और दूसरा होंगे आगंतुक, आगंतुक मतलब बाहरी बाहरी कारण। बाहरी कारण की हो सकता है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई सट लगी है, कोई एनवायरमेंट चेंज होया है, ठीक है, ये बाहरी कारण है। ये 10-15% होंगे है। तो तीसरी जी जड़ हैगी है बीमारियों की, वह है मानसिक स्ट्रैस, जो अज की घड़ी नौजवानों भी देखते तनाव जिन्हों तनाव अगे बढ़ने की होड़ मुकाबलेबाजी, तो असं उन्होंने पॉजिटिव वे च नहीं लेंगे, जिद करके सू मानसिक बीमारियां होनी शुरू हो जाए। ये बेसिक तीन रीजन है। तो मेजर चंक जोड़ा है वो कितों आ रहा है? थोड़ी डाइट तो। तो डाइट शुरुआत मतलब जे पंजाबी च आपां कहीए सरल भाषा प्यो ए है, मतलब जड़ जी, जड़ यह है। अगर तुम अपनी खुराक ठीक नहीं करोगे तो तुम किसी भी बीमारी की तह तक नहीं जा सकते, उसनु ठीक नहीं कर सकते, या फिर सारी उम्र दवाइयां ते ही लगे रहोगे जी। तो डाइट एक ऐसा पहलू है जिहदे नाल तुसीं बहुत ज़्यादा बीमारियां नूं रिकवर कर सकते हो, परमानेंटली ठीक कर सकते हो। सो डॉक्टर सुनील कुमार पटियाले वाले ने सानूं दस्सिया गया मेनली मुख्य तौर पर जिहड़े दो तीन कारण निकलते हैं। एक तो तुहाडी शुरुआत तुहाडे खाने तो है, तुहाडे भोजन तो है, दिने उठते हो सुई राती सौं के उठते हो, सवेरे उठते हो, सब तो पहला खाते हो, तो दोपहर में भी खाते हो, रात में भी खाते हो, कितना कितने तुहाडा भोजन जिहड़ा है उदा जिहड़ा बदल चुका है, जिहड़ा रूप है वो थानू यह जिहड़ियां बीमारियां दे रहा है। सो हुण डॉक्टर साहब नूं कहांगे थानू लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाउणगे कि वो किद्दां दी मतलब ट्रीटमेंट असीं घरे बैठे कर सकते हैं, कि सानू किसी डॉक्टर कोल जाके प्राइवेट अस्पतालां जाके महंगीयां फीसां ना देणियां पैण, ते मुड़ के डॉक्टर तां कहिंदे जी दा इलाज तां जी सर्जरी है, इहदा इलाज तां जी ऑपरेशन है। की सर्जरी ऑपरेशन हर चीज़ का इलाज है? टाल सकदे डॉक्टर साहब थोड़ा करके जे तुसीं दसो भी किदां दी बीमारियां किदां आपां इहनां नूं कंट्रोल कर सकदे सर। इस तो पहला कि आपां ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए, पहला आपां थोड़ा जिहा आम पब्लिक दे लई इह जरूरी दसना हैगा बिल्कुल कि आपां जिवें गल कीती कि डाइट, डाइट दे विच ऐसी केड़ी चीज़ है जिन्हां नूं तुसीं मेजरली अपनी डाइट चों रिमूव करना है? तो साडे सारे बजुर्गों नूं पता है कि जिहड़ी भी चीज़ बाय करदी है वात नूं वधांदी है वह चीज़ खाणा साडे वास्ते मना है, असी नहीं खा सकते। माहां दी दाल होई, राजमा होए, चावल होए, ऐसियां चीज़ां जो साडे शरीर च बाई दी वृद्धि कर दी, बहबादी ज़्यादा बढ़ा दिंदी है। दूसरा इस बीमारी का कारण है लाइफ स्टाइल, क्योंकि असी पैरों पर बैठना बंद कर दिता, असी ज़्यादा देर तक कुर्सियां ते बैठते हैगे आ, तो साडा वेट भी जिहड़ा गेन हो जाता है, ये दूजा कारण है। तुसी पैरों पर दी गल कीती,
इंग्लिश टॉयलेट सीट्स जिम्मेवार ने दे ली सर काफ़ी हद तक तुम देखो पूरी दुनिया सानू प्राउड होना चाहिए कि असं कहने कि दो तरह नई सीट्स होंगे ज वैसटर्न स्टाइल है ज इंडियन स्टाइल इंडियन इंग्लिश ठीक है तो इंडियन स्टाइल जो है सानू बहुत सारिया बीमारियों तो कब्जी एक मेन बीमारी है तो कब्जी तो इंडियन स्टाइल सीट जी है वो सानू बचा के रखती है हुण गल करिए तीसरा अहम पहलू की है यह एक्सरसाइज जी सा घट गई है उदे करके भी यह बीमारी होंगी है और यदी जी रिकवरी है उदे विच भी जेडे पार्ट है उही रहेंगे कि पहला डाइट ठीक करनी पएगी नाल कसरत करनी पएगी और नाल तुहानू अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पएगा लाइफ स्टाइल चेंज की क्योंकि फिर ज्यादा अच्छे तरीके समझ आएगी जिहड़ी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਾਈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗੋਡਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੋਡਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੜਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਗਰੀਸ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਰੀਸ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਹੈਗਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਘਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਜੋ ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਸੋ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਸ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧੇਗੀ ਭਾਵ ਸੈਰ ਕਰੋ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਘਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੈਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਰਗੜ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਜਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੀਂਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਪੇਸ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲ ਕਿਹੜਾ ਥਾਈ ਮਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਈ ਮਸਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ
परने का सहारा लै कर सकते हो या जिस तरह मैं हैल्प कर रहा इस तरह कोई हैल्प कर दे तो पैर जिन्हें अंदर जाएंगे तुम देखोगे थोड़े थाइस के उत्ते हल्की हल्की पेन शुरू होएगी और ये पेन थोड़े अच्छे वास्ते है क्योंकि यही थाई मसल्स थोड़े जिहड़े जॉइंट्स जुड़े हुए हैं उन्होंने खिंचनगे बाहर ठीक है 20 से 25 बार तुम अंदर अंदर खिंचने पंजे फिर बाहर खिंचने हुण ये पहली एक्सरसाइज होगी दूसरी एक्सरसाइज की है तुम अपन अड्डिया तुम अपन अड्डिया जमीन के धक्कना है जोर ला के सिर्फ अड्डिया लत्तां सीधियां रहनी चाहिए और जुड़िया रहनी चाहिए अड्डिया नीचे नू जिदा मिट्टी टोए पाने हो इस तरह तुम धक्कने है ठीक है ये सैकेंड एक्सरसाइज है थर्ड एक्सरसाइज तुम की करना है एक बार तुम लेट जाओ तुम किसी भी कपड़े का कोई टॉवल का इनू बना के इनू मतलब एक रोल जहा बना के तुम गोडे के नीचे रख लेना इतने लाइक ये रखा हुआ हूँ तुम गोडे के जोर न आप गोडे के जोर न लत्त सीधी रखते हुए गोडे नू नीचे नू दबना है 20 से 25 बार इस लत्त का 20 से 25 बार दूसरी लत्त का कई बार असं गलती की करते हैं कि असं सोचते हैं कि मेरा एको ही तो गोडा दुखद है तो मैं एक गोडे की कसरत क्यों ना करा यह जी गलती ना करो ये होंगे कि कई बार एक गोडे घट तकलीफ होंगी है बट दूजे थोड़ी जी ज़्यादा होंगी है तो आप ज़्यादा वाले गोडे ज़्यादा तरजीह दे दें एक्सरसाइज बराबर करनी है दोनों लत्तों की करनी है इस तो बाद की करना है तुम अपनी एक लत्त को इतने मोड़ के रखना है दूसरी लत्त को 45 डिग्री के कोण तक इतने चकना है इन्ना चक्या उस तो बाद इतने रोकना है पैर में फिर बाहर कढ़ना है पैर में पूरे जोर ना बाहर खिंचो हाँ अंदर फिर बाहर फिर अंदर यही भी तुम 20 से 25 बार करना है राइट इस तरह ही फिर दूसरी लत्त का करना है उपर चको बाहर अंदर यह मूवमेंट जी अंदर बाहर करन दी है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैगी है क्योंकि ये थोड़े थाई मसल नू की करती है स्ट्रोंग करती हैगी है राइट जी ओके नाउ प्लीज उठ जाओ हूँ एक होर एक्सरसाइज एक्सर बहुत हाँ जी प्लीज हूँ तुम्हें की करना थोड़ा क्या देखो लत्त सीधी 90 डिग्री ते नीचे रखनी है और उस तो बाद फिर उपर लैके आनी है नीचे लैके जानी है चलो उपर लैके आओ हाँ उपर यस पहले महीना 2 महीने तुम इस तरह करो उस तो बाद इस जगह पर कोई छोटी जी थैली बना के अद्धा किलो पाइया पहला वजन बनो तो इस तरह वजन को बधाते जाओ राइट ये दोनों लत्तों की तुम्हें यह एक्सरसाइज करनी हैगी है थोड़ा उपर रख लगे हूँ मैं थोड़ी एक ऐसी चीज़ दसन लग्या सर जिहड़ी कि आयुर्वेद मता अनुसार जिन्हों असी कहने मरम मरम चिकित्सा आयुर्वेद की बहुत ही इंपॉर्टेंट चिकित्सा हैगी है जिद असी बीमारी नू बड़ी बार जल्दी बार क्लीयर कर जल्दी तरह ठीक कर सकते हैं तो मरम जिहड़ा इहदे विच इंपॉर्टेंट हैगा उहदा नाम है जानू मरम किस तरह करना है ये बड़ा आसान हैगा पेशेंट खुद भी कर सकदा ते तुसीं भी कर सकते हो फिंगर्स थोड़ियां नीचे जाणगियां हाथ इस तरह थोड़ी जिहड़ी चपनी है उहदे विचकार थोड़े गोठे आ जाणगे उस तों बाद तुसीं की करना है अप डाउन अप डाउन अप डाउन उपर लैके जाना हाथ में फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे एक बार तुम इधर अपना करके दिखाओ हूँ पेशेंट अगर खुद कर रहा है तो फिर वो की करेगा पेशेंट नीचे नू करेगा नीचे डाउन यस पेशेंट नीचे नू ऑपोजिट जो होगा उपर नू करेगा जी जी मैं कर रहा हूँ सेल्फ कर रहे हैं तो थल्ले तो पहला जी जी आप कर रहे हैं देखो मैं उपर कर रहा हूँ तो मरीज की कर रहे हैं वो नीचे नू करके फिर उपर आ रहे हैं जी आप इधरों करेंगे ग्रिप नहीं बन दी उस हिसाब जी 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 बिल्कुल ठीक है यह जिहड़ी भी एक्सरसाइज दसी जा रही है ये एक एक्सरसाइज घट्टो घट 20 से 25 बार करो और इस तो ज़्यादा बधाते जाओगे तुहाडे वास्ते फायदा होएगा मतलब जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब मतलब जिदा यह एको बार करनी सवेरे या सवेरे शाम दो टाइम करिए सर जिन्नी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे पर एक चीज़ होर होंगी एक बेसिक रूल होंगे एक्सरसाइज का कि जिन्नी मेरी एक्सरसाइज करने की समर्था है कैपेसिटी हाँ जी उदा मैं 50% ही कम करना होंगे ये बेसिक रूल होंगे कि अगर मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता तो मैं 2.5 या 3 किलोमीटर तक ही दौड़ा बाकी 50% एनर्जी को अपने अंदर रिजर्व रखा राइट तो मतलब एटलीस्ट तुम दिन से 2 बार यह कसरत करो और कसरत के नाल नाल तुसी जेड़ा साइकलिंग है वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है घरे तुसी अपराइट साइकल या जिम का साइकल कोई भी हैगा उनू तुसी चला सकते हैं वो तुहाडे जॉइंट्स नू खोलेगा और जिन्हें तुहाडे जॉइंट्स जेड़े हैगे हैं उन्हां दी स्पेस जिहड़ी हैगी है वह बनती जाएगी तो मेडिसन जिन्नी भी थोनू मैं दसांगा
वह सारिया थोड़े ग्रीस बना देंगे। लेकिन अगर तुम कहो कि कसरत करे बिना कली मेडिसिन खा के इलाज हो जाएगा तो वह संभव नहीं है। सो एक जहन सवाल आ गया डॉक्टर साहब, तुम क्या है भी कसरत करे बिना कली दवाई खा के इलाज नहीं होंगे, कसरत करके दवाई तो बच सकते हैं जी? नहीं, दवाई फिर भी खानी, देखो हरेक का अपना रोल है। या वो घटेगी डोज हौली हौली? नहीं नहीं नहीं, हाँ। समझो गल, इसलिए तो मैं नाल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हाँ, हाँ। कसरत का काम है इस जो जोड़ का स्पेस घटिया उसनू खोलना, जोड़ नू खोलना, एक कसरत का काम है। दवाई का काम है इतने जो ग्रीस घटी हैगी है उस ग्रीस नू तैयार करना। अगर यह जोड़ नहीं खुलता तो मेडिसिन ग्रीस बना दी जाती है तो ग्रीस किसी काम की नहीं है, है? मतलब वो जाएगी कितने? मतलब हाँ। मतलब सर तुसी अपने घर के सोफा सैट ऑर्डर करता लेकिन जगह है नहीं सोफा रखने की, की करोगे कितने रखोगे? राइट, तो जेकर तुसी जॉइंट्स नू खोलोगे नहीं तो फिर ग्रीस की काम करेगी, अगर जॉइंट खोल लिया तो फिर ग्रीस तो बिना की काम करोगे? तो मेडिसिन का भी बराबर पार्ट हैगा, एक्सरसाइज का भी उन्ना ही हिस्सा हैगा और डाइट का भी उस तरह का ही इंपोर्टेंट रोल है ट्रीटमेंट के। अगर मैं कह कि जी चावल मैं खा रहा माह की दाल मेरी खुलेआम चल रही हैगी है तो फिर इन चीज़ों का असर होर घट जाएगा सर। ठीक है, अच्छा जिमें दवाइया की गल की कि सब का अपना अपना रोल है, भावें वह डाइट है, भावें दवाई है, भावें कसरत हैगी है, दवाई कही एलोपैथी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी भी कोई होंगी ये? सर देखो मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हैगा तो ओबियसली मैं आयुर्वेदिक दवाई की ही गल करांगा, पर दवाइया तो खैर वो तीजी चौथी स्टेज पर जाके जरूरत पैंदी है। अच्छा। अगर तुसी शुरू दे विच ही पहली दूजी स्टेज पर अगर कोई बंदा महसूस कर रहा है कि मैनू सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ा जा गोडा अड़क रहा है या मैं गोडे के उपर हथ रख के गोडे मूव करके देखदा तो कड़कड़ की आवाज़ आ रही है तो समझ लो कि पहली या दूजी स्टेज पर तुम है। इत्थे बचन दे लई कुछ घरेलू नुस्खे हैगे बड़े आसान है, वह तुसीं नोट कर लो, दो तीन चीज़ें है, कोई बहुत बड़ी गल नहीं। साडी रसोई च मौजूद होंदी है? कुछ रसोई च मौजूद होंदी है, कुछ तुसीं जिवें प्लांट हैगे ओह गमले च लगा सकदे हो। ठीक है जी, गार्डन च। ठीक है, तो पहली चीज़ तो की हैगी है? अखरोट, अखरोट दीआं तीन तो चार गिरियां तुसीं रात नूं पानी च भिओं दो और सवेरे वह अखरोट जिहड़े आ उह खा लो, यह भी पहली दूजी स्टेज नूं कवर करन दे विच समर्थ रखदे आ। दूसरा होंदा एक पेड़ होंदा हार शिंगार, परिजात कहिंदे आ, ते एक पेड़ होंदा सुहांजना दा, सब नूं पता है इसका, ये दो गमले दे बड़े गमलों के किसी ड्रम के अगर घर जगह हैगी है तो वह दोनों बूटे अपने लगा लो, पंज पत्ते सुहांजना दे, पंज पत्ते हार शिंगार दे, रात नूं तोड़ो अच्छी तरह धो लो, धोण तो बाद उहदी चटनी जी कुट लो, चटनी कुटन तो बाद उसनूं एक गिलास पानी दे विच भिओं के रात को छड़ दो, सवेरे उस पानी नूं बॉयल करो, बॉयल करके जदे वह पानी अद्धा जा अद्धे तो थोड़ा जा नीचे चला जाए तो गैस बंद कर दो, पानी नूं हल्का जा ठंडा हो लैन दो और छान के वो पानी पी लो। एक इन्ना कारागर नुस्खा हैगा कि पहली दूजी स्टेज के उत्ते थोनू दवाई खाने की जरूरत नहीं पेगी। गोड्यां ते तेल की मालिश जरूर करो ताकि गोडे जिहड़े हैगे आ वो मूवमेंट आसानी नाल कर सकन। ये करना हैगा। एक मैं जिवें तुहानूं विच दस्सिया सी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंदे आ जिन्हां दा वेट ज़्यादा होंदा, जदों वेट ज़्यादा होंदा तो ट्रीटमेंट दे विच बड़ी दिक्कत आती है। ओबेसिटी है एक कारण जोड़ा? ओबेसिटी बिल्कुल कारण हैगा, ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों का कारण हैगा, लेकिन इहदे विच की हैगा कि जिन्ना कारण यह बीमारी नूं पैदा करन दा उस तों ज़्यादा बड़ा कारण यह बीमारी का ट्रीटमेंट करन च दिक्कत दिंदा अगे वधांदा कह लो उन्हूं जी, क्योंकि देखो साढ़े गोडे जिहड़े हैगे आ साढ़े भार दा जिन्ना सानूं गॉड गिफ्टिड भार हैगा साडी बॉडी दा तो उन्ना ही जे मैं कहां जी मेरा भार 70 किलो होना चाहीदा तो 70 किलो भार नूं गोडे चक सकणगे, जे उस तों ज़्यादा भार चकवाओगे तो ओबियसली कितने ना कितने जाके उह बोझ ही पएगा उस तों मना करनगे। बिल्कुल ठीक है। तो इहदे लई जिहदे विच थोड़ा भार भी घटे, तुहाडे गोड्यां दे विच भी इहदी इंप्रूवमेंट होवे, मूवमेंट बधे, तो एक इस तरह का प्लांट होंदा वो अपने इत्थे प्लांट तो नहीं थोड़ा मिलेगा लेकिन वो लकड़ी मिल जाएगी जां उसका बुरादा मिल जाएगा, उस पौधे का नाम होंदा विजयसार, पंसारी वाले कोल मिल सकदा, बड़े आसानी नाल मिल जाता है जी। विजयसार का लकड़ी मिल जाती है, बुरादा मिल जाता है, तो चूरन मिल जाता है। याद रखियो आपां चूरन नहीं लैना, आपां बुरादा लैना जां फिर लकड़ी लैके उहदा बुरादा कर लैना। यह एक ऐसा प्लांट है जिहड़ा कि तुहाडे गोड्यां नूं ठीक करन दे विच बहुत ज़्यादा पावरफुल जिहड़ी ताकत रखता हैगा जी। इहदे विच करना की है, बुरादा 6 ग्राम, एक चमचा पूरा भर के 6 ग्राम बुरादा एक पाइया पानी दे विच कंच दे गलास च भिओना है। ये चीज़ें याद रखियो जिहड़े तुहानूं दस रहे हैं कि भी किवें लैना है,
कंच के गिलास के ही भिओना, शाम को 6 बजे भिओ दो। नैक्सट डे मॉर्निंग सूरज चढ़ते ही 6 बजे उस पानी को छान लो, बुरादा सिट दो, तो पानी आराम नाल बैठ के पी लो। और अगर सर्दियाँ अगे आ रही ने तो सर्दियों के इस पानी को तुसी गर्म भी कर सकते हो, ठीक है। तो यह लगातार पीते रहो, ये ना सिर्फ थोड़े वेट न बल्कि थोड़े गोड्यां नू बहुत जल्दी रिकवर करवाएगा। अच्छा, और तुसी सर्दियों की गल की एकदम मैं याद आ गया, अक्सर लोग कहें ना भी सर्दियाँ आ गई, शरीर को गर्म रखना है, सुंड खा लो, पंजीरी खा लो, वह भी लाभदायक है चीज़ा? देखो पंजीरी बिल्कुल लाभदायक होंगी है, लेकिन होंगे की है कि वो घी वगैरह बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो कई बार वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। घी नहीं मदद करता ग्रीस बनाने? नहीं, उस तरह नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा च नहीं करता, क्योंकि अच्छा। अजक प्योर घी मिलता भी नहीं, अगर शुद्ध देसी घी मिलता है गाँव का तो 1 तो 2 चमचे तुम डेली खाओ, वधिया है। सुंड वगैरह जी खाते हो? सर्दियों खा सकते हो सुंड की, बट सुंड का उन्ना ज़्यादा रोल इस गल नहीं है कि ग्रीस बनेगी, लेकिन यस पेन्स नूं थोड़ा जा आराम जरूर देगा जी। सो तुसीं आयुर्वैदिक दवाइया की भी गल कर रहे थे, लोगों के मन च एक तो है ही है होम्योपैथी के बाजे कहते भी आयुर्वैदिक भी यही जी है कि काम करती है, समा बड़ा लेंदी है, तो वो वाकई गल ठीक हैगी। और दूजा सवाल, आयुर्वैदिक दवाई कदे एक्सपायर होंदी है? सर पहला सवाल थोड़ा सा है कि आयुर्वेदिक समा लेंदी है, समा लेने वाली कोई गल नहीं है, एक कॉन्सपिरेंसी हैगी आयुर्वेद के खिलाफ कि आयुर्वेदिक दवाई समा लेंदी है, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदिक दवाई इंस्टेंटली असर भी करती हैगी है, फर्क की होंगे कि तुम प्रैपरेशन किदा की है, तैयारी की है, इनग्रीडियंट किदा दे पाए है गे। अज की घड़ी बहुत सारे संथेटिक इनग्रीडियंट भी मार्केट अवेलेबल है, अच्छा सस्ते भी होंगे है, ठीक है। बंदा कहता जी ये 10 रुपए का 100 ग्राम है तो यह 100 रुपए का 10 ग्राम है, दसो कि देव हूँ। एक आम बंदे जो नॉन मैडिकल का बंदा है जिन्होंने मैडिकल की नॉलेज नहीं समझ नहीं है जिन्होंने, ठीक है, वह सोचता है कि यार ठीक है सस्ता दे दे, है ना। तो जिथे मैं एक जी कंपनियां जिम्मे साढ़े असं दवाइया जो यूज करते हैं, साढ़िया मैक्सीम क्लीनिक दवाइया केरला तो आदि हैं, ठीक है। वह कारण की है कि उधर आयुर्वेद जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा मच्योर है, और उन्होंने जो मेडिसन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी दनाई जाती हैं, तो उन्होंने रिजल्ट सूँ विद इन वीक मिल जाता है जी, बहुत जल्दी मिलता है। और जेकर तुम ये जो फॉर्मूलेशन यूज करते हो तो थोड़ा पता लग जाएगा, ये जो पत्तों वाली थोड़ा गल दसी है यह पता लग जाएगा थोड़ा खा के, है ना। कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या एक्सपायर होती है आयुर्वेद दवाई जी? आयुर्वेदिक दवाई इस तरह एक्सपायर नहीं होती सर, पोटेंसी लूज हो जाती है, असर घट करे जी बिल्कुल। आम तौर पर आप जो आयुर्वेद की शॉप तो खरीदते हैं उससे डेट जरूर पई होंगी एक्सपायरी की, वह मतलब की होंगे फिर? सर अज तो नॉर्म्स आ रहे हैं, अच्छा देसी कीते भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, अच्छा खराब तो होता नहीं कभी, ठीक है। देसी घी से भी एक्सपायरी डेट है, नमक से भी एक्सपायरी डेट है, तो वह पिछले जो कुमार विश्वास जी का एक चुटकला भी आया कि बाबा रामदेव जी जल्दी कढ़ के ले आए जिहड़ा नमक हैगा, सो इदा का नहीं है। हर्ब्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होंगी, बट यस कुछ नॉर्म्स इतने हैं जिथे कि फार्मेसीज नूं इह नॉर्म्स नूं फॉलो करना होंगे, एक्सपायरी डेट लिखनी होंगी है। आयुर्वेद के कुछ ऐसा दवाइया होंगे जिन्हों के असी मैटल्स का यूज करते हैं, या फिर जिन्हों टॉक्सिन इंप्रूव करके गंधक पाई है, पारा पाया, तो वह चीज़ों फिर असं ज्यादा लंबी यूज नहीं देंगे, या फिर उन्होंने वह रही है कि इन तरीक तो बाद नहीं देनी हैगी है। या जिदा तुम गल की बदनामी वाली कोई जो क्वालिटी कंप्रोमाइज करते हैं, गुणवत्ता समझौता करते हैं, वह जरूर की क्वालिटी लो कर देंगे, बिल्कुल फर्क पैंता है सर। वैसे भी अगर देखो सिंपल चूरन है घर बनाओगे तो आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने ताकत घट जाएगी, उन्हें ताकत घट जाएगी, तो फ्रैश जी चीज़ हैगी है डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा तेजी असर करेगी। और अगर तुम दवाई सही तरीके बना के सही दवाई लै रहे हो तो इदा का कोई मतलब नहीं है कि आप सोचिए कि बहुत लंबी देर बाद असर होएगा, बहुत जल्दी इंपैक्ट मिलता है, लोग हफ्ते हफ्ते कहन लग जाते हैं कि सर असी बहुत अच्छे रिकवर हो गए। चंडीगढ़ जो PGI है 32 सेक्टर का हॉस्पिटल है, होर प्राइवेट हॉस्पिटल है, उत्थे तो लाइन लगी होंगी यार गोडे बदलवाने हैं, गोडे बदलवाने हैं, एक गोडे बदलवाने वाले जी दुनिया भजी जाती है, इस तो बचा है, या फिर तुम कहोगे सीधे शब्दों में मैं कहाँ कोई मुनाफाखोर डॉक्टर होंगे जो कहते हैं गोडे बदलो 4 पैसे कमाओ तो ठीक है? सर देखो मैं इस स्टेटमेंट में तो नहीं दोहराहांगा, लेकिन यस इन्ना जरूर हैगा कुछ तो होगी प्रतिशतता है जे बंदे दी ब्लैक शीप ऑलवेज देयर, ये तो हर जगह पे मिलेगा सर, अच्छे या बुरे लोग हर जगह पे मिलते हैं, तो अपना पॉइंट ये नहीं है कि आप किसी को ब्लेम करिए, पॉइंट ये है कि असं अपने आप को सेव कर सकते हैं। मैं जिम्मे थोड़ा दसिया पहली दूजी तीजी स्टेज तक अगर तुम कसरत करते हो, डाइट का ध्यान रखते हो, तो मेरे बहुत सारे पेशेंट है जो महीने महीने से रिकवर होकर घूमते फिर, मतलब गोडे बदलाने की लोड़ नहीं पाई, गोडे बदलाने की लोड़ नहीं पाई, लेकिन अगर कसरत नहीं करते
ठीक है, अगर खुराक का ध्यान नहीं रखते तो फिर दवाइया जड़िया है नेगियाँ वह भी तुम सोच लो कि बहुत लंबा देर तक तो असर नहीं करनगियाँ। जो चौथी स्टेज चले गए फिर सर ओपरेशन तो बिना कोई चारा बचेगा भी नहीं जी। सो डॉक्टर सुनील कुमार पटियाला ने सानू बड़ा वधिया तरीके नाल तुहानू समझाया, एक कहावत मैनू चेते आ गई जिवें इन्हां ने कहा कि दवाइयां ते निरपर रह के या सर्जरियां ऑपरेशन करवा के तुसीं कहो हुण ठीक है, इदां नहीं। कहावत हैगी ना कहिंदे कि जे स्वर्ग देखना है तां खुद नूं मरना पैंदा, किसी नूं तुसीं कह सकदे कि तूं मर जा ते मेरी जगह स्वर्ग देख के आ जा। सो पहल तुहानू करनी पएगी, छोटियां छोटियां चार पंज एक्सरसाइजां जिहड़ियां तुहानू दसियां और 20 तों 25 वार जे तुसीं दिन च रोजाना कर रहे हो तो किते तुहाडे गोड्यां दी ग्रीस नहीं खत्म होएगी, तो गोड्यां दा जिहड़ा डिस्टेंस घटता है अंदरूनी तौर पर चपणियां दा वह भी नहीं होएगा, तो एक आम जिंदगी या आपां डॉक्टर साहब के शब्दों च कहीए सेहतमंद जिंदगी जिहड़ा तुसीं जी सकदे हो। वरना वह हालत तो सब दी अजकल की हुई है, एक शेर मैनूं बड़ा अच्छा याद आ रहा है, कहिंदे अब हालत इस कदर हो गई है जनाब, अब हालत इस कदर हो गई है जनाब, कार में चढ़ के जाते हैं जिम में साइकिल चलाने के लिए। सो जे तुसीं कार च चढ़ के जिम च जाके साइकिल चलाने तो बचना चाहते हो तो जो नुस्खे जो इलाज डॉक्टर सुनील कुमार पटियाले वाले ने सानू दसे हैगे ने तां एक नरोया शरीर लैके तुसीं अपनी जिंदगी जी सकते हो। सो साडे नाल गलबात करन लई डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, जी शुक्रिया। सो होर नवीं ते ताज़ी अपडेट लई देखते रहो सक्रोल पंजाब, हुण दिओ बलजीत मरवाहा नूं इजाजत, शुक्रिया।